नेपाल और भारत के बीच रिश्ते हमेशा से ही एक बंधन में बंधे हुए रहे हैं। ये कोई भाईचारा विशेष नहीं है, बल्कि इससे बड़ा कुछ रिश्ता है इन दोनों देशों के बीच। कल्चरल वैल्यू के हिसाब से कहें या फिर हम मोरल वैल्यू के हिसाब से कहें, दोनों देश एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और कोई भी पवित्र काम हो तो दोनों देश मिलकर इस काम को पूरा करने में विश्वास भी करते हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम जानेंगे कि किस तरह से जब नीम रखी गई अयोध्या के अंदर राम मंदिर की, उस समय भी नेपाल से कुछ विशेष चीजें या फिर ऐसे कहें कि मूर्ति को तराशने के लिए पत्थर तक की व्यवस्था करी गई, लेकिन अब उससे भी बड़ा कार्य करा जा रहा है। आखिरकार नेपाल से ही क्यों किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कितना बड़ा रिलेशन है नेपाल के अंदर और इसीलिए दोनों देश इस तरह से जुड़ाव के अंदर रहते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, पत्थर लाए गए, उनसे मूर्तियां नहीं बनाई गई। क्यों नहीं बनाई गई, उनका भी रीजन मैंने बताया था, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि उन पत्थरों को तराशा नहीं जा सकता, उस नदी के पत्थरों पर चोट नहीं लगाई जा सकती, ये बात बाद में बताई गई। और इस वजह से ये यहां पे जो पत्थर लाए गए थे उन्हें वहीं पर व्यवस्थित किया जाएगा, ऐसे ही नहीं फेंका जाएगा, ये भी एक बात है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्राण अर्पण होते हैं मूर्ति के अंदर वो लाए जाएंगे, तो उस समय से पहले नेपाल के अंदर से आई हुई चीज जो कि विशेष चीज कह सकते हैं, उससे उसको पवित्र किया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर के निर्माण से पहले नेपाल के कुछ भगत जनों ने एक विशेष चीज यहाँ पे अयोध्या के अंदर पहुंचा दी है। जैसे ही अयोध्या अगले महीने भव्य अभिषेक समारोह तैयार कर रही है, भगवान राम को नेपाल में उनके नाना नानी ससुराल वालों के विशेष प्रसाद मिलना भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि राम का जो ससुराल है वो नेपाल के अंदर है, सीता मैया वहीं की थी, राम का जो ननिहाल है वो भी यहाँ पे नेपाल के अंदर है, तो आप सोच सकते हैं वहाँ से भी चीज़ें आनी ही बनती हैं। नेपाल की 16 पवित्र नदियों का जल यहाँ पे पहुँचाया गया है और नेपाल इस आयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण दे रहा है, बर्तन दे रहा है, कपड़े मिठाइयों से युक्त विशेष समर्थी चिन्ह भी भेज रहा है। ये चीज कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह से जुड़ाव है राम का नेपाल से, राम का भारत से, और अयोध्या के अंदर राम का मंदिर बनना जितना सुखम्य संदेश देता है, जितना सुखम्य चीजें पल मुहैया कराता है भारत के लोगों को, जितने प्रिय राम भारत के हैं उससे कहीं ज्यादा प्रिय है वो नेपाल के लिए हैं। इसका रीजन आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा, क्योंकि ननियाल है तो ननियाल पक्ष वाले भी इतना ही बड़ा ख्याल रखते हैं, उनके लिए भी इतना ही बड़ा महत्व है इस चीज का, और उनका दूसरी ओर ससुराल भी है नेपाल के अंदर, तो आप सोच सकते हैं कि उनका आदर सम्मान उससे भी बड़ा हो जाता है एज ए हम कहें ससुराल। तो आप सोच सकते हैं कि दोनों तरीके से ही राम की जो चीज़ें भेजी जा रही है नेपाल से, नेपाल के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं, और जैसे ही यहाँ पे मूर्ति का प्राण अर्पण का दिन यहाँ पे नज़दीक आ रहा है, नेपाल के अंदर समारोह हो रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, वो चीज़ दिखाता है कि कितना मानते हैं वो राम को और कितना महत्व है दोनों देशों को जोड़े रखने में नेपाल का, नेपाल और भारत को राम के लिए। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, आपको नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।